हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कढ़ांगे प्रकाश की पोथी, प्रकाश की पोथी 3:14 तो पढ़ांगे। प्रकाश की पोथी 3:14 लौदीकिए दी कलीसिया दे दूत नूं इउं लिख पई, जिहड़ा आमीन है, जिहड़ा वफादार अते सच्चा गवाह है, जिहड़ा परमेश्वर दी सृष्टि दा मुढ है, ओह इह आखदा है, मैं तेरे कम्मां नूं जाणदा हां भई, ना तां तूं ठंडा है ना तत्ता। मैं चाहुंदा सां जो तूं ठंडा या तत्ता हुंदा, सो तूं सील गर्म जो है, ना तत्ता ना ठंडा। इस कारण मैं तेनूं अपने मूँह विच्चों उगल सुट्टांगा। तू जो आखदा है भई मैं धनवान हाँ अते मैं माया जोड़ी है, अते मैनू कासे दी लोड़ नहीं, अते नहीं जानदा जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना अते नंगा है। ता मैं तेनू सलाह दिंदा हाँ भई, अग विच ताया होया सोना मेरे कोलो मुल लै, ता जो तू धनवान हो जावे, अते चिट्टे वस्त्र लै, ता जो तू अपने उदाले पावे, अते तेरे नंगेज दी लज्जा प्रगट ना होवे, अते अपनियां अखियां विच पाउण नूं सुरमा लै, भई तू सुजाखा हो जावे। मैं जिन्हां नाल प्यार करदा हाँ उन्हां नूं झिड़कदा अते ताड़दा हाँ, इस कारण तू उद्मी बन अते तौबा कर। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता अते खड़खड़ाउंदा हाँ, जे कोई मेरी आवाज सुने अते बूहा खोल देवे तां उस दे कोल अंदर जावांगा अते उस दे नाल प्रसाद छकांगा अते उह मेरे नाल छकेगा। जिहड़ा जितण वाला है उस नूं मैं अपने सिंघासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा, जिस प्रकार मैं भी जित्या अते अपने पिता दे नाल उस दे सिंघासन उत्ते बैठा। जिस दे कन हन सो सुने पई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। आओ प्रार्थना करदे हां। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच खुदावंत प्रभु जी, मेरे महान पिता, ये असीं अंत दे समें विच रह रहे हां खुदावंत दा, ते मेरे महान पिता तेरे नाल प्रभु यीशु मसीह उही लोग खुदावंत सिंघासन ते बैठणगे प्रभु यीशु मसीह, जिहड़े जित नूं प्राप्त करनगे जिस तरह तू भी जित्या ते अपने पिता दे सिंघासन उत्ते बैठिया मेरे महान पिता। ते प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी, तू हुण तक सानूं सभनां नूं संभाल के रखिया है खुदावंत दा, ते मैं विश्वास करदा प्रभु यीशु मसीह जदों तेरा सतवां दूत भाई विलियम मैरी ब्रैनम आया ते उसने उत्पत तों लैके प्रकाश दी पोथी खोल दित्ती खुदावंत दा, ते तेरी जिहड़े तेरे लोग सी खुदावंत दा उहनां दी अखां विच सुरमा पै गया प्रभु यीशु मसीह, ते मेरे महान पिता तेरे लोग सुजाखे हो गए खुदावंदा, क्योंकि मेरे महान पिता तो अपना रिवलेशन अपना प्रकाश हमेशा अपने नबियां दे द्वारा भेजदा है, ते उसे तरह खुदावंदा तो अपने नबी भाई ब्रैनम दे द्वारा प्रभु जी अपने रिवलेशन नूं अपने प्रकाश नूं भेजिया। इस दे लई असीं तेरा धन्नवाद करदे हां प्रभु यीशु मसीह, तू सभनां ते दया कर किरपा कर खुदावंदा, इस वचन नूं बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, वचन ना वचन नूं खोलण वाला खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा होवे, तू दया कर किरपा कर, अज दा वचन हरेक दे हिरदे नूं छेद करे खुदावंदा, सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दिंदे हां, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं प्रकाश दी पोथी 3 दे विचों पढ़िया आ, 3:14 विचों पढ़िया आ, ओह कहिंदा मेरे कोल सुरमा लो ताकि तुसीं सुजाखे हो जाओ, कहिंदा जिद्दां मैं भी जित्या ते अपने पिता दे सिंघासन ते बैठिया। हुण कहण दा मतलब, जे अज कोई मनुख संसार दे विच आया आ ते ओनू एक जित प्राप्त करनी पवेगी, लेकिन जित प्राप्त करन तो पहलां तुहानूं पता जदों कोई योद्धा लड़ाई ते जांदा आ, लड़ाई ते जाण तो पहलां ओनूं खुराक खानी पैंदी आ, ओह भुखा नहीं रहिंदा, ओह खुराक खांदा आ, अपने आप नूं तगड़ा करदा आ। जिन्ने शूरवीर हुंदे आ जदों लड़ाइयां ते जांदे आ, ओह वधिया खुराक उहनां नूं खवाई जांदी। तुसीं देखो चाहे मिलटरी विच लगा लो या पुराने समयां दे विच जिहड़े राजे महाराजे सीगे, जिहड़े उहनां दे सेनापति सी, जिहड़े सैनिक सीगे उहनां दे, उहनां नूं वधिया खाणा खवाया जांदा सी। इहदा मतलब खाण दा एक मनुख दे नाल बहुत वड्डा संबंध आ। अज लोकां नूं खाण दे बारे नहीं पता वी खाणा की आ। जे शरीरक तौर ते देखिया जावे जदों कोई मनुख गलत चीज़ां लैंदा आ, शराब पींदा सिगरट पींदा आ या कोई भी गलत नशा करदा, तो उहदी सेहत ते फर्क पैंदा आ। इसे तरह जदों कोई मनुख जदों उहने आत्मा च वधणा आ, जे उह आत्मिक खुराक नहीं खांदा ते उह कदे भी आत्मिक कम्मां दे विच अगे नहीं वध पांदा। इस करके खाने दा संबंध जित्तण दे नाल आ। जदों तक कोई मनुख वधिया खाणा नहीं खांदा उह जित नहीं सकदा। अदन दे बाग दे विच जदों आदम ते हवा नूं रखिया गया ते प्रभु परमेश्वर ने उहनूं कहा सीगा,
ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਪਿਓਰ ਖਾਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਤਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਖਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। 40 ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ, 40 ਸਾਲ ਉਹ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਗੜੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਾ ਖਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਕਸ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਓਰਿਜਨਲ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਵਚਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਦੇ ਮਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ? ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਖਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਚਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਆ, ਪਿਓਰ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਮਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ
ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 450 ਨਬੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਆ? ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਕਿਹੜੇ? ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਕੋੜਾ ਲੱਗੇ, ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਿਆਈ ਆਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹੀ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਯੋਧਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਵੇਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕਵੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ 9:11 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ 9:11 ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਇਸਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ
खुदा नूं खुश कर सकदा नहीं। तुहानूं पता रैप्चर दे विच ओही लोग जाणगे जिहड़े जगत दी नीह धरन तों पहलों ही चुने गए आ, जिहड़े उहदे विचारां च पाए गए आ। कोई भी अपने अनुसार भगती करके खुदा नूं खुश नहीं कर सकदा। कि अज मिशनां जत्थेबंदियां दे विच भगती नहीं हुंदी, भगती हुंदी आ। यकूब नाल प्रेम अते एसाउ नाल वैर कीता, फिर असीं की आखीए? भला परमेश्वर कोल करुणा हुंदा है? कदे नहीं। क्यों? जो वह मूसा नूं आखदा है भई जिस दे उत्ते मैं दयाल हाँ उस उत्ते दयाल होवांगा अते जिस दे उत्ते मैं रहम करना है उस उत्ते रहम करांगा। ये परमेश्वर की मर्जी है, खुदा की मर्जी आ। तुहानूं सभनां नूं या मैनूं, मैं असी परमेश्वर नूं नहीं चुनिया, परमेश्वर ने सानूं चुनिया है। एक दिन असी सब कित्थे सीगे? संसार दे विच। लेकिन वह चौंकां चों फड़ के सानूं लै आया, क्योंकि मैं एक पापी मनुख सीगा ते जदों मैं उहदी आवाज़ नूं सुनिया क्योंकि वह मैनूं प्यार करदा सीगा। मैं खुदावन नूं नहीं चुनिया, या तुसी खुदावन नूं नहीं चुनिया, या तुसी स्थान च अपने आप नहीं आए, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह तुहानूं इस स्थान दे विच लैके आया। क्योंकि वह जिन्हों प्यार करता उन्होंने प्यार करता, जिदे नाल नफरत करता आ उहदे नाल नफरत करता आ। हुण मैं तुहानूं दसना चाहना खाण की गल। हुण जदों यकूब ते एसाउ की गल हो रही आ, जिहड़ा एसाउ सीगा वह पहलोठा सीगा, वह पहला पैदा होया सीगा, लेकिन जिहड़ा यकूब सी वह छोटा पुत्र सीगा। लेकिन जदों यकूब ने दाल बनाई, जदों यकूब ने दाल बनाई तो वह दाल की खुशबू एसाउ नूं आ रही सीगी, क्योंकि वह बाहरों आया सीगा। तो वह कहता मैं बहुत थकिया होया, मैनू बहुत तेज भुख लगी है, मैनू खाण वास्ते दे। लेकिन यकूब ने की किया? यकूब कहता मैनू अपना पहलोठे का पद दे, अपना पहलोठे होने का अधिकार मैनू दे, अपना जन्म सिद्ध अधिकार मैनू दे, मैं तेनू दाल खवावगा। हुण खाण पिछे एसाउ ने की किया? खाण के पिछे एसाउ ने अपना जिहड़ा उहदी पहल सीगी, उहदा पहलोठापन सीगा, उहनूं वेच दिता। अज की इसे तरह नहीं है? अज लोग खुदा दे वचन नूं वेचदे आ, लेकिन खुदा कहिंदा तुसी एसाउ वर्गे ना बनो, तुसी यकूब वर्गे बनो। हुण लोकी यकूब नूं कहिंदे आ धोखेबाज, भी उह धोखेबाज सी, उहने धोखे ना लिया। लेकिन नहीं, खुदा दा वचन कहिंदा मैं यकूब नूं प्रेम कीता। चाहे तुहानूं लोग धोखेबाज कहण, उह तुहानूं कह सकदे आ तू बड़ा पापी मनुख सीगा, तू बहुत गलतियां कीतियां, तू आ कीता, तू वह कीता, हुण तू खुदा दे विच पहलोठा बन गया। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना तुहाडा अधिकार पहलोठे दा अधिकार आ, जन्म सिद्ध अधिकार तुहाडा आ। इस करके कदे भी अपने जन्म सिद्ध अधिकार नूं बेचना नहीं आ संसार दे रीति रिवाजां पिछे, ख्वाहिशां पिछे, व्याहां शादियां पिछे, रिश्तेदारियां पिछे। कदे भी अपने जन्म सिद्ध अधिकार नूं बेचना नहीं आ। हुण एसाउ ने खाण दे पिछे, दाल खाण दे पिछे अपना जन्म सिद्ध अधिकार वेच दिता, अपने पहलोठे होण दे अधिकार नूं वेच दिता। उहने किन्ना गलत काम उहने कीता, क्योंकि उहने पछाणिया नहीं। क्योंकि जिहड़ा एसाउ सीगा, एसाउ एक शरीरक मनुख सीगा, ते शरीरक मनुख वचन की परवाह नहीं करते। लेकिन जिहड़ा यकूब सीगा, यकूब कौन सीगा? खुदा की संतान सी। हुण तुसीं देखो रिबका ते इसहाक दे विच्चों पैदा होए। हुण रिबका भी जिहड़ी रिबका सी एक भैण सी, रिबका वह एक आत्मिक भैण सीगी, जिहड़ा इसहाक सीगा वह भी आत्मिक सीगा। लेकिन आत्मिक कुख दे विच्चों एक शरीरक ते एक आत्मिक निकल रहा है। इसे तरह चर्चा दे विच नहीं है, चर्चा दे विच भी कुछ मनुख आत्मिक हुंदे आ ते कुछ शरीरक हुंदे आ। दिखावा दोनों का बराबर हुंदा भी असी भी आत्मिक आ, लेकिन पछाणे किदा जांदे आ? फलां तो पछाणे जांदे आ। जिहदे कोल जन्म सिद्ध अधिकार आ वह एसाउ दी संतानां दे विच्चों आ, वह अपना यकूब दी संतानां दे विच्चों आ जिहदे कोल जन्म सिद्ध अधिकार आ। लेकिन एसाउ कौन आ? शरीरक मनुख। इस करके शरीरक मनुखां वर्गे नहीं बनना। एसाउ ने किड्डी वड्डी गलती कीती, खाण दे पिछे अपने पहलोठे होण दे अधिकार नूं वेच दिता। अज बहुत लोग खुदा दे वचन नूं वेच दिंदे आ, वह कहिंदे असीं संसार दा मित्रचारा पहलां देखणा, परमेश्वर दे वचन नूं बाद देखांगे। कदे भी इदां ना करो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार नूं कदे ना वेचो, हमेशा खुदा दे वचन नूं पहल दो। एसाउ वर्गे नहीं बनना, तुसीं यकूब वर्गे बनना आ। चाहे यकूब नूं धोखेबाज कहा गया, चाहे लोग तुहानूं भी धोखेबाज कहण,
हो सकता तुहानू कहण जिदा एक कहावत लगा लो भी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लोग कह दिंदे आ भी इन्हें बड़ी गलती गुनाह किते ते अज देखो ये तो विश्वासी बन गया, ये सेवक बन गया। लोकी जो बोलते हैं बोलन दो, चाहे गलतियां कीतियां पाप किते, लेकिन तौबा तो कर ली ना एक दिन आके। जिहड़े किहड़े लोग आ जिहड़े तौबा भी नहीं करते, ये साऊ वर्गे लोग जिहड़े तौबा भी नहीं करते। लेकिन यकूब वर्गे बनो, चाहे तुसी पाप चे सीगे जिथे मर्जी सीगे, लेकिन तुसी अपने अधिकार नूं पछाणिया भी असी परमेश्वर दे पुत्तर ते धीआं आ। ते तुसी किहदी आवाज़ नूं सुणिया? तुसी समें दे संदेश दी आवाज़ नूं सुण के किथे आ गए? उहदी आवाज़ नूं सुण के उहदे कोल तुसी आ गए। तुसी बसमा लिया प्रभु यीशु मसीह दे नाम च, इहदा मतलब तुहानूं पता लग गया भी साडा जन्म सिद्ध अधिकार की है। लेकिन अज बहुत लोग आ जिहड़े संसार दे विच चले जांदे आ, खुदा दे वचन नूं बेचदे, इहो जिहा काम कदे नहीं करना। हुण जे असीं बाइबल च देखदे आ दानियल दे बारे देखदे आ, तुहानूं पता दानियल जदों गुलामी दे विच सीगा, दानियल जदों गुलामी च सीगा ते उत्थे दे राजे ने जदों इहनां नूं ओहदे दित्ते सी, दानियल नूं ओहदा मिलिया सीगा। होर भी बहुत लोग सी जिन्हां नूं ओहदे मिले सीगे उस स्थान दे विच, इहनां नूं नौकरी दित्ती गई स्थान दे विच भी तुसीं राजे दी सेवा टहल करनी आ, ते राजे ने हुक्म जारी कीता भी मेरे खा मेरा जिहड़ा शाही खाणा आ उहदे विचों दानियल भी खावे, होर भी लोग खाण। उहनें शराब कबाब हर एक चीज़ उस स्थान च रखी, लेकिन दानियल ने खाण दे पिछे नहीं गया, क्योंकि दानियल नूं पता सीगा भी उस स्थान दे विच जिहड़े लोग खा रहे आ उह गलत चीज़ां खा रहे आ। लेकिन दानियल ने कहा मैं दाल खावांगा, मैनूं दाल दित्ती जावे। वो कहिंदा मैं दाल खा के ही अपना जीवन बतीत करूँगा, मैं शाही खाणा नहीं खाणा, मैं वचन नूं तुच्छ नहीं करना, क्योंकि वचन इजाजत नहीं दिंदा भी मैं गलत खाना खावा, चाहे वह खाना बहुत शाही सीगा। लेकिन दानियल ने कहा भी तुसी देखो भी ये लोग मीट ते शराब खा के इन्हां दे चेहरे ते नूर रहिंदा आ, या फिर दाल खा के मेरे चेहरे ते नूर रहिंदा आ। ते की होया? बहुत दिनों तक दानियल दाल खांदा रहा ते दानियल दा चेहरा नूर दे नाल भरिया होया सी। लेकिन जिहड़े ओह लोग सीगे जिहड़े शराब पींदे सीगे, उत्थे मीट खांदे सी, कबाब खांदे सी, ओह लोकां दे चेहरे मुरझा गए। हुण गल हैगी खाण दी, खाण दे पिछे कदे भी जिहड़े आत्मिक लोग आ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਨੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਾਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ 2, 4, 5, 10 ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਮੌਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਹੁਣ
भाई ब्रैनम ने कहा एसाव ने दाल के लिए जन्म सिद्ध अधिकार गवा दिया, लेकिन डैनियल ने शाही खाना छोड़ दिया। जड़ा एसाऊ सीगा उन्हें दाल दे लई अपना जन्म सिद्ध अधिकार गवा दिता, लेकिन जड़ा डैनियल सी उन्हें शाही खाने नू भी छड़ दिता। इनू कहंदे खुदा दे लोग, एहो जे लोग बनना है। जे बाइबल दे विच खुदा दे आत्मिक लोकां दे नाम आ ते ओह ताही दित्ते गए आ भी तानू उन्हां तों सिख्या लैण दी लोड़ आ भी किद्दां ओह लोकां दे जीवन सीगे। असीं यूहन्ना कढ़ांगे 6:53 यूहन्ना 6:53 52 तों पढ़ लांगे, 6:52 तों। इस लई यहूदी आपस विच कह के बहसण लगे जो ए अपना मांस किकुर सानू खाण लई दे सकता है। हुण फिर गल खाण ते आ गई, क्योंकि परमेश्वर कहंदा तानू मेरा मांस खाणा पवेगा। तद यीशु ने उन्हां नूं आख्या मैं तुहानू सच सच आखदा हां, जे तुसी मनुख दे पुत्र दा मांस ना खाओ अते उसदा लहू ना पियो तां तुहाडे विच जीवन नहीं है। हुण तुसी सुन लिया सभना ने भी खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा जे तुसी मेरा मांस ते लहू नहीं लैंदे नहीं खांदे पींदे तुहाडे विच जीवन नहीं है। कोई परमेश्वर दी इस गल नूं कट नहीं सकदा, क्योंकि खुद इस जगत दे रचन हारे ने गल कही है जे कोई मेरा मांस खांदा अते मेरा लहू पींदा है सदीपक जीवन उसे दा है अते मैं अंत दे दिन उसनू जिउंदा उठावांगा। जे कोई सो भी जांदा है शरीर जे खुदावंत उनू फिर खड़ा करन दी सामर्थ रखदा है, क्योंकि उदा नाम अनंत काल दा पिता अते शांति दा राजकुमार आ। क्योंकि मेरा मांस सचमुच खाण दी अते मेरा लहू सचमुच पीण दी वस्तु है। जो मेरा मांस अते मेरा लहू पींदा है खांदा अते पींदा है सो मेरे विच रहिंदा है। वो कहिंदा जे तुसी मेरा मांस खांदे हो मेरा लहू पींदे हो तां तुसी मेरे विच रहिंदे हो अते मैं उस विच। किन्नी वधिया गल, खुदा तुहाडे विच रहे ते तुसी खुदा दे विच रहो। जदों खुदा तुहाडे विच रहेगा ते की बीमारियां तुहानू आके तंग कर सकदियां, परेशानियां तुहानू तंग कर सकदियां, मुसीबतां भी आण चाहे, लेकिन खुदावंद तुहाडी अगवाई करन नूं खड़ा हो जाएगा। इदां नहीं आ भी खुदा दे लोकां ते कोई तंगियां प्रॉब्लमां नहीं आंदी, आ जांदियां, लेकिन यहोवा परमेश्वर ओह अग दा खंभा खुद तुहाडी अगवाई करन लई आ जांदा। जिस तरह जिउंदे पिता ने मैनू भेजिया अते मैं पिता दे कारण जिउंदा हाँ, उसे तरह जिहड़ा मैनू खांदा है सो मेरे कारण जीवेगा। जे जो रोटी स्वर्ग तो उतरी है सो एहो है, जिवें वड्डिया ने खाधी अते मर गए सो नहीं, पर जड़ा ए रोटी खांदा है वह सदा तक जिउंदा रहेगा। उसने कफराहूम दे विच समाज विच उपदेश दिंदिया ए गल्लां आखियां। इसलिए उसके चेलिया विचों बहुतिया ने सुन के आख्या जो ये औखी गल है। वो चेले सके जड़े वह कहते बड़ी औखी गल आ, क्योंकि यीशु मसीह 82 चेले सके, 70 एक सी ते 12 एक सी, 82 चेले टोटल सीगे। ये औखी गल है, इसनू कौन सुन सकता है। पर यीशु ने जो अपने मन विच जाणिया भई मेरे चेले इस गल उत्ते बुड़बुड़ाउंदे हन, उन्हां नू आख्या कि इस तो ठोकर तुहानू इस तो ठोकर लगती है, फिर की होवेगा जेकर तुसी मनुख दे पुत्तर नू उतांह चढ़दा वेखोगे जिथे वह पहला सी। इस करके हमेशा जीवन की रोटी खानी है, क्योंकि जीवन की रोटी यीशु मसीह आ, उहदा वचन आ। जे कोई मनुख दे वचन नू खांदा वह कदे नहीं मरेगा, वह कदे सड़ेगा नहीं, वह हमेशा अमर आ। जिन्ने लोग उहदे खालस लोग आ, उहदी खालस बाणी नू सुणदे आ, वह कदे भी मरदे नहीं आ। इह भुलेखा आ। लोग अज कहिंदे आ भी उस घर दे विच उस बंदे दी डैथ हो गई, वह शरीर खत्म हुंदा लेकिन वह आत्मा नहीं खत्म हुंदा, वह आत्मा खुदा दे कोल चला जांदा है। इस करके हमेशा यकूब वर्गे बनना है, एसाओ वर्गे कदे नहीं बनना, हमेशा डैनियल वर्गे बनना है, यकूब वर्गे बनना, डैनियल वर्गे बनना है। हुण मैं तुहानूं दस रहा बाइबल दे विच लिखिया एक राजे ने भोज कीता, उन्हें अपने सिपाहियां नूं अपने नौकरां नूं कहा जाओ समाज विच लोकां नूं लै आओ भी वह भोज खाण आ के, लेकिन लोगों ने मना किया। वह कहते असी नहीं आ सकते, साढ़े को टाइम नहीं आ,
असी नहीं आ सकते, साढ़े को टाइम नहीं, असी आ काम करना, असी वो करना। फिर उन्हें क्या भी तुसी जाओ चौंका दे विच्चों फड़ के लोगों नू लेके आओ। हुण की चौंका दे विच्चों उन्हें तानू ते मिनू नहीं फड़िया, जेड़े लोगों ने समय के संदेश नू ठकराया ते प्रभु ने की किया, समय के संदेश की रोटी देने वास्ते उन्हें उन्हां लोगों नू चुन लिया जेड़े लोग लोगों की नज़र च तुच्छ सीगे। कि तुसी ते मैं तुच्छ नहीं सीगे लोगों की नज़र च, कि सानू उन्हें अपने लिए नहीं बुलाया, उन्हें बुलाया। लेकिन उस स्थान च बाइबल बयान कर दी एक मनुख बिना कपड़े पाए आ गया, पवित्र ताई वाले बिना उन्हें ब्याह दे भोज वाले कपड़े पाए बिना ही उस स्थान दे विच आ गया। ते खुदा ने उन्हूं क्या, उस राजे ने उसनूं क्या अपने सिपाहियां नूं, इन्हूं अंधकोर दे विच सिड़ दो जिथे कचीचियां दा वटना ते रोना होवेगा। इस करके खुदा दे राज दे विच जे जाना आ ते तुहाडे कोल वो खालस वचन होना चाहिए, वो पवित्र ताई वाले कपड़े होने चाहिए, वचन के अनुसार हरेक ताड़ा जीवन होना चाहिए। तुसी सारा दिन की करने हो वो वचन के अनुसार होना चाहिए। मनुख मनुख नूं धोखा दे सकदा, तुसी एक पास्टर नूं एक सेवक नूं धोखा दे सकदे हो, लेकिन जेड़ा खुदावन 24 घंटे तुहानूं देखदा तुसी उन्हूं धोखा नहीं दे सकदे। अज लोकी की करदे आ, चर्चा दे विच आके ड्रामे करदे आ, वो कहिंदे सेवक सामने असीं बन जांगे बहुत वधिया, लेकिन की खुदावन तुहानूं देखदा नहीं, ओदा कैमरा 24 घंटे तुहानूं देखदा। तुहानूं पता जदों खुदा ने न्याय करना दुनिया का, उस समय उत्थे एक टीवी लगी होनी आ, स्क्रीन लगी होनी उस समय उस स्थान दे विच, उह दसूगा लोगों ने कहना असीं कुछ नहीं किया प्रभु तेरे खिलाफ, उन्हें उन्हां दी सोचां भी दस देणियां भी तुसीं मन दे विच आ सोचिया सी, उत्थे रील घूमणी आ पूरी। बाइबल बयान करदी उन्हां दे काम भी उन्हां लोकां दे दोष लाण। जेड़े लोग अज वचन की बेप्रतीति करते हैं, जिउंदे सच्चे वचन ठोकर मारते हैं, उन्हां दे काम उन्हां दी सोचा ही उन्हां दे दोष लगाऊगी। खुदावंद ने उत्थे एक टीवी लगा देनी। तुहानूं पता जदों यीशु मसीह दे कोल एक पापण टीवी आई ते लोकी पत्थर मारन लई आए, ते यीशु मसीह थले झुकिया ते थले चुके लिखण लगा। हुण उत्थे एक स्क्रीन लग गई सीगी, लोकी आके देख रहे सी भी मैं आ पाप कीता, मैं परसों आ पाप कीता, सारे उस स्थान चो छड़ के चले गए। तो टीवी नूं कहिंदा तू भी चली जा। इस करके खुदा तो कोई मनुख पाप नहीं लुको सकदा, तुसी मनुख मनुख तो पाप लुको सकदा आ, लेकिन खुदावंद जिहदा कैमरा 24 घंटे हर सैकेंड ताडे उपर लग्या रहिंदा आ, उहनूं पता आ भी तुसी की खा रहे। इस करके खुदा का वचन कहता जे खाना आ ते असली भोजन खाओ, गलत भोजन खा के अपना जीवन ना नाश करो। हुण अज बाजार दे विच सब्जी मंडियां हुंदियां आ, उत्थे हर एक सब्जी मिलदी आ। हुण जे तुसी जाके जंगली बूटी जंगल दे विच कोई जहरीली चीज तुसी कहो इह वी तां साग वरगू बणदी इहनूं खा लईए ते की बंदा मरेगा नहीं, इसे तरह तुसी उही भोजन खाना आ जो वचन दे अनुसार आ, जो वचन तो बाहर आ वह भोजन कदे तुसी नहीं खाना। असी कढ़ांगे प्रकाश की पोथी 2:17, प्रकाश की पोथी 2:17 कढ़ांगे। जिसदे कन हन सो सुने, पई आत्मा कलीसिया नू की आखदा है, जेड़ा जितण वाला है उसनू मैं गुप्त मन विचो देंगा, अते ओ अते मैं उसनों एक चिट्टा पत्थर देंगा, अते उस पत्थर उत्ते एक नाउ लिखिया होया है जिसनों उसदे लैन वाले तो छुट कोई होर नहीं जानता। हुण प्रकाश की पोथी 2:17 च असी पढ़िया आ, जेड़ा जितण वाला है उसनों मैं गुप्त मन्ने विचो देंगा। हुण एक मन्ना ओ सीगा जेड़ा उन्हें अपने लोगों को, तुहानूं पता मन्ना किदा खाना आ, मन्ना दूतां दा खाना है, उन्हें दूतां दा खाना इजराइली लोकां नूं खवाया। लेकिन ये केड़ा खाना आ, ये गुप्त मन्ने दी गल हो रही है, ये मन्ने दी गल नहीं हो रही, इत्थे लिखिया गुप्त मन्ना। गुप्त मन्ने विचों देंगा, हुण तुहानूं पता गुप्त मन्ना की है, जेड़ा तुसी अज खा रहे हो गुप्त मन्ना भाई विलियम मैरियन ब्रैनम दा संदेश आ। लेकिन एक गुप्त मन्ने बारे किसी नूं नहीं पता, मोरा बारे किसी नूं नहीं पता, बसमे बारे किसी नूं नहीं पता,
ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਵੀ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਸੱਜਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਲੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੂੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਟੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜੈਲ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਦੁਲਹਨ ਖਾ ਕੀ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਦੁਲਹਨ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਣਾ, ਇਹ ਮੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤਰ ਆ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਧਨੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ ਪਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਬਸਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਹਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਕਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਕਾਬ ਦਾ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਂਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੂਚੇ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੀ। ਉਹ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਉੜਦੀ 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 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਕਾਬ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਮੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂੰਝੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਖਾਊਂਗਾ ਕੀ, ਪੀਊਂਗਾ ਕੀ? ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ?
लेकिन ओना नु नहीं पता जेड़े उपर उड़दे आ वो आकाश तो ही भोजन नु खा लेंदे आ ओना नु देण वाला ओना दा खुदा बंदा ओना नु जमीन ते नहीं रहना पैंदा तानू पता एक गिद्ध हुंदी आ गिद्ध की करदी आ गिद्ध हमेशा वो देखदी भी किसी स्थान च कोई जानवर मरिया आ वो लाश खांदी आ गिद्ध हमेशा वो लाश खांदी जेड़ी गिद्ध हुंदी आ वो लाश खांदी आ लेकिन जड़ा उकाब हुंदा हमेशा ताजा शिकार करदा है आही फर्क हुंदा या उकाबां दे विच ते गिद्धां दे विच एही फर्क हुंदा या आत्मिक लोकां दे विच ते शरीरक लोकां दे विच उन्हां ने संसार दा गलिया सड़िया खाना खा के बीमार रहना या लेकिन उकाब दे बच्चे सड़िया ते गलिया मांस नहीं खांदे हर संडे नवा मन्ना ते नवा मांस खांदे आ हमेशा तानू ताजा मांस ताजा मन्ना खाण नू मिलदा क्योंकि तुसी पुराने नियम च देखिया जदों मन्ना डिगदा सीगा ते उहनां नू कहा जांदा सी उहनां के ही तुसी बटोरना आ जिन्ना कि तुसी खा सको क्योंकि अगले दिन उह खराब हो जांदा सीगा अगले दिन उह मन्ना खराब हो जांदा सीगा इस करके खुदावंद तानू हमेशा ताजा मांस दिंदा आ वो कदे भी तुहानू बासा मांस नहीं दिंदा हमेशा तुहानू ताजा वचन तृप्त करता है हमेशा जो तुसी चर्च दे विच आंदे हो एक मसे नाल भरिया होया सेवक तुहानू नवीआं नवीआं गल्लां दसदा जो नबी ने भेतां दी खोलियां है इस करके जिहड़े चूंझे आ वह दुनियावी लोग आ वह चूंझिया दे पिछे नहीं जाना वह जो मर्जी कहण लोग संसारिक लोग भी हुण तू विआह कित्थे करावेगा हुण तू जीवन कित्थे बतीत करेगा उहनू कहना जो कुछ करेगा मेरा उकाब करेगा मेरी उकाब मां करेगी मेरा प्रभु यीशु मसीह करेगा हुण पावे उकाब दा बच्चा उस स्थान च जीवन बतीत कर रहा सीगा वो माड़ा मोटा खा रहा सी रूड़ियां तो चुके लेकिन वो तृप्त नहीं सी हो रहा क्योंकि उन्हूं मांस नहीं सी मिल रहा खाने वास्ते जदों उन्हूं मांस मिलिया उन्हें अपनी मां की आवाज सुनिया तो वह तृप्त हो गया इस करके जो तुसी संसार दे विच सीगे चाहे तुसी मुश्किलां च सी परेशानियां दे सी लेकिन जो तुसी परमेश्वर की आवाज़ नू सुनिया प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ नू सुनिया ते तुसी यीशु मसीह के नाम च बसमा लिया ताडे सारे पाप माफ हो गए उस समुंदर च उन्हें ताडे पाप सिड़ दिते जिदा कोई थला नहीं आ तुहानू पता परमेश्वर जो कोई यीशु मसीह के नाम च बसमा लैंदा उहदे पाप माफ कर दिते जांदे आ उस समुंदर च सिड़ दिते जांदे जिदा कोई थला नहीं आ इस करके तुसी मुबारक ते तानो कदे भी अपने आप नू कमजोर ना समझो भी मिशना दे विच तुसी लोकां नू देख रहे हो लोग ऐश कर रहे बरकतां लै रहे परमेश्वर ने तुहाडे वास्ते भी कुछ रखिया है समय सिर तानू भी वो कुछ दवेगा सिर्फ तानू इंतजार करन दी लोड़ इंतजार करो चाहे दानियल नू शेरां दे घोरने च सिट दिता गया सीगा ओना ईरखा करके लेकिन एक दिन उसे दानियल नू रिस्पैक्ट दे नाल बाहर कढ़िया गया ते ओनू फिर उही उहदा राजपाट दे दिता गया वो रिस्पैक्ट वधी खुदाबंद भावें तुहानू कोई भी सिटण की कोशिश क्यों ना करे लेकिन खुदाबंद फिर तुहानू उस पोजिशन से बिठावेगा लिया जो यकू जिहड़ा यूसफ सीगा यूसफ नू उहदे भरावां ने उहना बुरा काम किया उहनू टोए विच सुट्टिया उहनें दुख झल्लिया 17 साल की उम्र च उह वेचिया गया 30 साल की उम्र च उहनू राज मिलिया 13 साल उहनें दुख झल्लिया लेकिन खुदा ने उहनू उस पोजिशन ते लैके गया क्योंकि उहनू दुखां की कुख विचों निकलना पिया सीगा इस करके जे तुसी दुखां की कुख चों निकलदे हो ते इह ना सोचो प्रभु कि मैं तेरे संदेश नू ग्रहण करके ते होर दुखी हो गया तुसी तन मनुख हो भी तुसी संदेश नू ग्रहण करके भी दुख झल रहे हो क्योंकि तुहानू प्रतिफल भी तो फिर तुहानू ही मिलना प्रतिफल किसी होर नू नहीं मिलना हुण नबी ने कहा आप गिद्ध नहीं है आप उकाब हैं तुसी गिद्ध नहीं हो तुसी उकाब हो तुसी उस सोते विचो खांदे हो जिदे विचो संसार नहीं खा सकता तुहानू पता तुसी ओ गुप्त मन्ना खा रहे हो संसार इस गुप्त मन्ने नू खा नहीं सकता उहनां नू पचना ही नहीं है क्योंकि उकाबा दा खाना चूंझिया नू नहीं पचदा ओह नहीं खा सकते उकाबा दा खाना सिर्फ उकाब खा सकते आ हुण लोकां ने जिहड़े लोग सीगे उहनां नू नहीं सी पता भी नूह की प्रचार कर रहा की पता सी लोकां नू पूरी दुनिया च उहने प्रचार किया नूह ने 120 साल प्रचार किया लेकिन लोकां नू उहदा सधारण जिहा प्रचार ही समझ च नहीं लग्या प्रचार की सी किश्ती विच आ जाओ इन्ना क प्रचार सीगा इन्ना सधारण प्रचार भी उहनां दे उपरों निकल गया क्यों निकल गया क्योंकि जिहड़े संसारिक लोग हुंदे आ उहनां नू आत्मिक गल्लां दी समझ नहीं हुंदी
इस करके तुसी मुबारक ते तानो भी ताडे कोल खुदा दा खालस वचन आया। इस करके कदे भी अपने जन्म सिद्ध अधिकार नू बेचना नहीं आ। खुदा दे वचन दे लई ओ काम नहीं करना तुसी। खुदा दा वचन थल्ले नहीं सिटना कदे भी। तुसी कहोगे भी संसार दे नाल मित्रचारा रखिए, कोई गल नहीं, खुदा दे काम फिर कर लांगे। जे तुसी इदां करदे हो ते तुसी अपने जन्म सिद्ध अधिकार नू बेचदे हो ते इहो जे शरीरक लोकां नू खुदा पसंद नहीं करता। एसाऊ वर्गे लोगों को खुदावंद पसंद नहीं करता, लेकिन वो यकूब वर्गे लोगों को पसंद करता। चाहे उन्हें धोखा किया, कुछ भी किया, लेकिन खुदा ने फिर भी उन्हें प्यार किया। चाहे तुसी भी धोखेबाज सी, कुछ भी सी, लेकिन जो तुसी वचन के दायरे में आ गए, परमेश्वर ने ताडा भी सब कुछ माफ किया। उन्हें कहा नहीं, हुण तेरा नाम यकूब नहीं, तेरा नाम इजराइल अखवावेगा। उन्हें उहदा नाम इजराइल रखिया, क्योंकि यकूब का मतलब होंदा धोखेबाज। फिर उन्हें उहदा नाम इजराइल रख दिता। इस करके तुसी भी सच्चे इजराइली हो, अपने आप को पछाणो। हुण नबी ने कहा आ कुधर्म का भेद, कुधर्म की है? कुधर्म वह है जो तुहानू पता हुंदा है कि यह नहीं करना चाहिए, पर फिर भी लोग ये करते। हुण लोग कहते बाइबल च लिखा कुधर्मी लोग परमेश्वर के राज दे विच दाखल नहीं। हुण कुधर्म का मतलब की हुंदा आ? कुधर्म का मतलब हुंदा आ भी तुहानू पता आ भी ये काम मैं नहीं करना, ये काम वचन तो बाहर आ, तुसीं तां भी करदे हो, फिर तुसी कुधर्मी बनते हो। इनू कहते कुधर्मी बंदा जिन्हों पता है भी मैं ये काम गलत आ, ये काम वचन तो बाहर आ, लेकिन ता भी एक मनुख उस काम कर रहा, वह बंदा कुधर्मी हुंदा। ते कुधर्मी लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। इस करके कुधर्मी नहीं तुसी धर्मी बनना है। कुधर्मी नू खुदा पसंद नहीं करता। कुधर्मी लोगों के नाल परमेश्वर की करता है? नफरत करता है, उन्होंने पसंद नहीं है कुधर्मी लोग। चलो एक बंदा हुंदा जिन्हों कुछ नहीं पता, वो गलती करती, उन्हों खुदा माफ़ करता। एक बंदा होंदा उन्हों पता है भी मैं गलती कर रहा, इस गलती की माफ़ी नहीं है। संत पौलुस ने नहीं किया कि असी बार बार पाप करी जाइए, जे एक बारी कृपा हुई आ ते बार बार पाप नहीं करना। जे तड़ते एक बार कृपा हो चुकी आ ते तुहानू उस कृपा दे हेठ रहण दी लोड़ आ, उस कृपा नू छड़ के किते बाहर ना चल जाओ। ये भुलेखा आ लोगों का। लोग कहते कोई गल नहीं, इत्थे बड़ी ताड़ना आ, इत्थे बड़ी सख्ती आ, असी चर्च छड़ के जा रहे हैं। लेकिन जदों कोई मनुख इस गुप्त मन्ने दीआं गल्लां नू छड़ के चला जांदा आ, उह संसार विच चला जांदा आ, उह कुधर्मी बन जांदा आ, उह भैण भाई मौत दे विच चला जांदा आ। उहदा कुछ पता नहीं हुंदा भी उहने वापस आना कि नहीं आना। इस करके कदे भी गुस्से विच ना कहो भी खुदा दे सेवक ने सानू सख्ती कीती, सानू डांटिया, असी स्थान च नहीं आवांगे दुबारा। तुहानू भावें डांट पवे, कुछ भी होवे, तुसी कहना प्रभु जी साडा जीवन सुधार, असी इत्थे बार बार आवांगे। जीवन तां ही मिलदा है, जीवन इदां नहीं मिलदा। जदों मिलटरी विच फौजी हुंदे उहनां नूं तकलीफां ते दुखां विचों लंघाया जांदा, उहनां नूं भुखा रखिया जांदा, उहनां नूं प्यासा रखिया जांदा, ता कि जदों युद्ध लगे ते उस थान दे विच वी उस उखियाई दे विच उस कठिनाई दे विचों निकल सकण ते उह निकलदे वी आ। लेकिन जिहड़े फौजी भज जांदे आ फिर उन्होंने फीतियां नहीं लगदियां, उन्होंने मोढ़िया से स्टार नहीं लगते, उन्होंने भगोड़ा साबित किया जाता तो क्या जाता ये ट्रेनिंग छड़ के भज्जिया इन गोली मार दी जाए। खुदावंद भज्जे हुए लोगों को पसंद नहीं करता। अगे वधना सीखो, अंजाम जो मर्जी हो परवाह नहीं करनी, खुदावंद तुहाडी अगवाई करन दे लई खड़ा है। नबी ने कहा एक विश्वासी विचित्र बंदा हुंदा आ। तुहानू पता विश्वासी जिहड़ा हुंदा आ, जिहड़े खुदा दे विश्वासी लोग हुंदे, विचित्र जे हुंदे आ। लोग कहते आ किदां दा बंदा, सिंपल सधारण जिहा, संसार दे नाल इहनूं कोई मोह नहीं आ। लेकिन खुदा दे बंदे इहो जिहे ही हुंदे, विचित्र हुंदे। प्रभु यीशु मसीह इहो जिहे लोगों नूं पसंद करदा आ। परेशानी कोई भी होवे, लेकिन वह लोग जिहड़े खुदा दे विश्वासी लोग हुंदे, उह कहिंदे प्रभु जी असीं तेरे वचन नूं पहल देणी आ, सानूं अपना मन्ना खवा, कौड़ा होवे, फिक्का होवे, जिद्दां दा मर्जी होवे, असीं तेरा मन्ना खाणा, तेरा गुप्त मन्ना खाणा। इस करके खुदा नूं कहो प्रभु यीशु मसीह जिद तक तू नहीं आंदा असी तेरा गुप्त मन्ना खांदे रहिए, ताकि जदों तू आवे ते असी तेरे राज विच उठाए जाण दे वास्ते तैयार पाए जाइए। परमेश्वर सारिआं नूं बरकत दे। आओ प्रार्थना करदे। हालेलुया।
धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करना खुदावंदा। सचमुच मेरे महान पिता, जदों खुदावंद तू गुप्त मन्ना अज अपने लोगों को खवा रहा है प्रभु जी, अपनी दुल्हन तू गुप्त मन्ना खवा रहा है प्रभु जी, क्योंकि गुप्त मन्ना नबी का संदेश है, समय का संदेश है खुदावंदा। तो जिहड़े लोग इस गुप्त मन्ने नू खा रहे हैं खुदावंदा, वह प्रभु यीशु मसीह वचन दे विच तगड़े हो रहे हैं खुदावंदा, वह आत्मा दे विच प्रभु यीशु मसीह तगड़े हो रहे हैं प्रभु जी। तो तू इहो जिहे लोगों नू पसंद करता है, क्योंकि तू बीमारां नू पसंद नहीं करता प्रभु जी, जिहड़े आत्मिक तौर पर बीमार हैं खुदावंदा, इहो जिहे लोगों नू तू पसंद नहीं करता। तू आत्मिक तौर पर प्रभु जी स्वस्थ बंदे नू पसंद करता है प्रभु जी, ते तेरी प्रभु जी फौज दे विच एहो जे लोग भर्ती हो रहे हैं प्रभु जी, जिहड़े बीमार नहीं हैं खुदावंदा। ते तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, इसे तरह खुदावंदा ये लोग तेरा आत्मिक मन्ना खांदे रहन, ते जिस दिन तू आवे प्रभु यीशु मसीह, ते सारयां नू प्रभु यीशु मसीह तू देखे भी ये नूर दे नाल भरे हुए हैं, ये तगड़े हो चुके हैं, ये जान लई तैयार हैं प्रभु जी, ते तू उस सबना नू लैके अपने नाल जा सके खुदावंद, क्योंकि तू अपनी दुल्हन नू बहुत जल्दी लैन आ रहा है। ते प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आ, तेरी दुल्हन तेरी लाड़ी तेरे इंतजार दे विच बैठी है खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर, जिन्ने लोग इस स्थान च आए हैं प्रभु जी, सारे नू आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करदा खुदावंदा, अज दा वचन खुदावंदा इन्हां दे जीवनां दे विच, इन्हां दे हिरदियां दी पट्टियां ते लिख दित्ता गया है खुदावंद प्रभु जी, ते इन्हां दे जीवन अज तों बाद बदल जाणगे प्रभु यीशु मसीह। तू एक एक भाई भैण ते दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, इस संसार दे मित्र चारे वल कदे ना जाण प्रभु जी, इस संसार तों बाहर प्रभु जी तेरे मन्ने नू खांदे रहण खुदावंदा, उस गुप्त मन्ने नू खाण प्रभु जी, जिस गुप्त मन्ने नू प्रभु यीशु मसीह तू अपने लोगों नू दे रहा है प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर, सारे नू आशीष और बरकत दे, तेरे प्यारे मिठे जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया।